दोस्तों नमस्कार। सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको समझने के लिए जैसा मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनते जाना है और जो लिख रहा हूं उस पर भी ध्यान देना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है और उसको एक बार समझना है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ हीट इंजन इज वर्किंग ऑन सोर्स टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस एंड सिंक टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ 1 किलोवाट इंजन पावर, फाइंड मिनिमम हीट रिलीज। याद रखें, यदि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लिया है और इसके कंसेप्ट समझेंगे कि किस कंसेप्ट पे बेस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपने पढ़ा होगा, यहाँ लिखा हीट इंजन, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये हीट इंजन के ऊपर है। तो हीट इंजन के ऊपर जो न्यूमेरिकल है, तो हीट इंजन के कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। यदि नहीं है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूं, उसको ध्यान से देख लें। तो सबसे पहले हीट इंजन का डायग्राम बनाना हमें आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन याद रखें, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कहां पर एग्जाम के अंदर, तो वहां पर भी ये डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह का क्या करेंगे, डब्बा टाइप का ऊपर बना रहे हैं इस तरह का। फिर ऐसी एक लाइन खींचेंगे, बीच में ऐसा सर्किल बना दें एक, फिर से उसके जस्ट नीचे एक लाइन खींचेंगे और जैसा ऊपर बना वैसा ही यहां पर इस तरह का एक डब्बा टाइप का बना दें। फिर इसमें जो लिखना है उसमें यहां पर लिखना कैपिटल टी वन। क्या लिखना? कैपिटल टी वन। और इसकी यूनिट होती है केल्विन, याद रखें। यूनिट ब्रैकेट में हमने क्या लिखी, यूनिट लिखी, क्या लिखी, केल्विन। और इस जो टी वन है इसको बोलते हैं हम हायर टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर मैं लिख देता हूं जिससे आप अच्छे समझ सकें, टेम्परेचर। तो इसको हायर टेम्परेचर बोलते हैं या फिर सोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, या हायर टेम्परेचर बॉडी भी लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। केल्विन यहां पर लिखा हुआ है, केल्विन का जो मतलब है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, यहां डिग्री सेल्सियस में यदि टेम्परेचर दिया है तो जो हमें किसमें चाहिए, केल्विन में चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मैं यहीं पर लिख देता हूं टी वन, हम लिखेंगे ऐसा, और जो टेम्परेचर दिया उसको यहां पर लिख लेंगे। जितना डिग्री सेल्सियस में दिया है उसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 का प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे इस तरह, जो वैल्यू हो जाएगी इसकी 1073 केल्विन। ये आपको ऊपर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और याद रखना है, फिक्स करके रखना है, यदि हीट इंजन लिखा आता है किसी भी न्यूमेरिकल में, हमें ऊपर की साइड सबसे पहले हायर टेम्परेचर ही लेना है। जो भी टेम्परेचर दिए उसमें सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होगा उसको ऊपर लिखना है और केल्विन में लिखना है, और ऐसा लिख कर रख देंगे यहाँ पर टी वन और हायर टेम्परेचर बॉडी। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एक क्या है हमारा हीट इंजन, तो उसको हम एच ई से डोनेट कर देंगे। किससे? एच ई से डोनेट कर देंगे। जो एरो है नीचे साइड को बनाएंगे, नीचे साइड को एरो बनाएंगे, और यहाँ पर क्या सप्लाई हो रही है, हीट सप्लाई हो रही थी। हीट का सिंबल क्यू होता है और टी वन इधर है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, क्यू वन लिख देंगे। मतलब क्यू वन हीट सप्लाई हो रही है सोर्स से कहाँ, हीट इंजन के लिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या हो रहा है, हीट इंजन के द्वारा वर्क किया जा रहा है, तो वर्क किया जाता है उसको हीट इंजन के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसका एरो बाहर की ओर होगा। और वर्क को हम किससे, W से डोनेटेड करते हैं। किससे करते हैं? W से डोनेटेड करते हैं। अब इसकी यूनिट है तो मैं आगे बता दूंगा, जैसे कि केल्विन है, तो जो हीट है जो क्यू वन है उसकी यूनिट क्या होती है, या तो जूल पर सेकेंड होगा या किलो जूल पर सेकेंड होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं जूल पर सेकेंड, या फिर आपको ऐसा भी लिखा हो सकता किलो जूल पर सेकेंड, या फिर और लगाता जा रहा हूं, या फिर क्या होगा सीधा किलो वाट। वाट क्यों लिख दिया, क्योंकि जूल पर सेकेंड इक्वल क्या होता है, वाट होता है। इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, सारे कंसेप्ट जैसा दिया हो आपको वही यूनिट यहां पर लिखना है, हमने तीनों बता दिए। इस तरह जो वर्क डन है इसकी यूनिट में बताऊंगा, इसके फॉर्मूले के साथ बताऊंगा। लेकिन हम नीचे एक कंसेप्ट क्या है, हीट रिजेक्ट कर रहा, तो हीट रिजेक्ट ऐसा लगा देंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, Q2 लिखेंगे। Q2 की यूनिट यहाँ पर जो देगी उसी तरह की होंगी, तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब हीट रिजेक्ट किया, हीट रिजेक्ट करेंगे कहां पर हम, जिसका टेम्परेचर लोअर होगा मतलब कम होगा, तो इसको हम कैपिटल T2 से नोट करेंगे। इसकी भी यूनिट हमारी
केल्विन ही होगी। तो याद रखें ये क्या हो गया हमारा T2 हो गया। T2 क्या है? लोअर टेम्परेचर। यहां पर लिखेंगे लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर बॉडी भी लिख सकते हैं या इसको हम क्या बोलते हैं सिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंक भी बोलते हैं। याद रखें सिंक भी बोल सकते हैं या लोअर टेम्परेचर बॉडी बोल सकते हैं या लोअर टेम्परेचर लिख सकते हैं, जैसा आपको करना है। ये भी केल्विन है। क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि लोअर टेम्परेचर कितना दिया, 30 दिया। इसकी तुलना में याद रखते जो टेम्परेचर दिया उसकी तुलना करना है, उसकी तुलना में टेम्परेचर कितना कम है। तो ये क्या हो गया हमारा सिंक वाला टेम्परेचर हो गया, लोअर टेम्परेचर हो गया। इसको हम ऐसा T2 लिख देंगे और जितना दिया उतना लिखेंगे, उसमें प्लस 273 का कर देंगे। बट यहां पर हम क्या करेंगे जितना जोड़ के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 303 केल्विन हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर इसके अलावा क्या दिया वो देखना पड़ेगा। यहां लिखा फोर प्रोडक्शन ऑफ 1 किलोवाट इंजन पावर, पावर दिए, पावर को हम किससे पीछे डॉटेड करते हैं, तो उसको भी हम चाहे तो इधर लिख सकते हैं। जबकि वन डाटा लिखते हैं तो वहां भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखते हैं। यहां पर हम क्या लिख रहा है पावर, पावर पावर डायरेक्ट लिख देता हूं, पी भी नहीं लिखे तो भी चलेगा। कितना दिया है 1 किलो वाट, ऐसा ही छोड़ देंगे। 1 वाट इक्वल टू किलो जूल पर सेकेंड भी हो जाएगा, हमें अभी ऐसा ही छोड़ देना है जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग। इतना आपने लिखिए। अब यहां पर कोई पूछता है या हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि आगे हमें इसको सॉल्व करना है। जो W लिखा है वर्क डन, ये इक्वल टू होता है जो हमारा इसका वर्क डन निकालते हैं तो क्या होता है Q1 माइनस Q2, क्या होता है Q1 माइनस Q2, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। क्या होता है? हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। Q1 क्या है? हीट सप्लाई है। और Q2 क्या है? हीट रिजेक्टेड है। याद रखें Q1 क्या है? सोर्स के द्वारा जो इंजन को हीट सप्लाई की जा रही वह है। Q2 क्या है? जो इंजन के द्वारा हीट रिजेक्ट की जा रही है। तो दोनों भी आप समझ के रखें, Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है। हायर टेम्परेचर T1 हो गया, लोअर टेम्परेचर T2 हो गया, W क्या हो गया बर्नर हो गया। अब इंजन की हम क्या निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। इंजन की क्या होती है? इफिशियंसी। और यहां पर लिखेंगे मैक्सिमम इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता क्या होता हुआ है, वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन अपॉन क्या होता है, वर्क डन को हम किससे डब्ल्यू से डॉटेड करते हैं। वर्क डन अपॉन क्या होता है, हीट सप्लाई। क्या लिखेंगे? हीट सप्लाई, हीट सप्लाई। यहां पर क्या हीट सप्लाई Q1 है तो हम इसको ब्रैकेट में Q1 भी लिख देते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूले को हमें और एक्सप्लेन करना है तो W क्या वर्क डन है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है Q1 माइनस Q2, ऐसा लिख लें। बटे में ऑलरेडी क्या है Q1 है। ये तो हो गया हीट के रूप में। और यदि हम इसको टेम्परेचर के रूप में लिखना चाहें तो हमें सिर्फ क्या करना है, Q1 की जगह T1 लिख देना है, Q2 की जगह T2 लिख देना है, और हमें क्या करना है फिर Q1 की जगह T1 लिख देना है। इस तरह हम इसकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब यहां पर निकालना क्या है, फाइंड मिनिमम हीट रिलीज। रिलीज का मतलब होता है रिजेक्ट करना। क्या होता है रिलीज का मतलब होता है रिजेक्ट करना। तो रिजेक्ट करना जो हीट निकालेंगे वह कैसे निकालेंगे ध्यान से समझ। मतलब यहां पर क्या है, तो Q1 तो हीट सप्लाई हो गया, Q2 क्या है हीट रिजेक्ट। तो मतलब हमें हीट रिजेक्ट निकालना है, रिलीज मतलब बाहर निकालना है, Q2 निकालना। तो हम यहां पर आपको समझने के लिए लिख भी देते हैं क्या निकालना है, Q2 हमें निकालना है। अब Q2 निकालना है तो हमें जो जो डाटा दिया उसके आधार पर देख सकते हैं हमें क्या निकाल सकते हैं। तो अब T1 दिया T2 दिया दो ही दिए, दोनों के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, यहां पर दोनों के आधार पर हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इफिशियंसी के लिए अब T1 और T2 की जरूरत है तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो डाटा हम निकाल सकते हैं उसको पहले निकाल लेते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे इफिशियंसी का मैक्सिमम, लिख के फॉर्मूला रखेंगे सबसे पहले T1 माइनस T2 अपॉन T1, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि T1 की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी है 1073 माइनस T2 की जो वैल्यू है वह नीचे हमने यहां पर लिख दी 303 बटे में, फिर से हमें Q1 करना है तो 1073 कर देना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें से इसको डाटा इसको माइनस कर दें फिर इसका डिवाइड कर दें तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी इफिशियंसी आ रही है वही वह आ रही है 0.7176 परसेंटेज में। यदि इसको निकाल के दिखाना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो आप ऐसा ही छोड़ दें क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है। अब हमें यदि देखो यहां पर जो पावर है वह उसको हम क्या वर्क डन लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं वर्क डन लेके चलते हैं, क्योंकि वर्क डन की भी यूनिट हम क्या लिखेंगे वही लिखेंगे किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है, जो हमारी हीट की यूनिट रहेगी।
इसको निकालना है, यहां पर ये दिया है तो इसकी यूनिट हम क्या लिख देंगे, यहां पर ए किलो की जगह के लिख सकते हैं, डब्ल्यू क्या होता है जूल पर सेकेंड, तो वर्क डन की जगह पावर फॉर मतलब वर्क डन ही होता है, तो इसको हम यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया है एफिशिएंसी, ये निकाल लिया। अब एफिशिएंसी इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, क्या होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वर्क डन मतलब डब्ल्यू अपॉन हीट सप्लाई, क्यू वन लिख सकते हैं इक्वल में, ऑलरेडी एफिशिएंसी हम निकाल चुके उसको जैसा कहते हैं लिख देंगे 7176। अब यहां पर क्या है वर्क डन अगर दिया है तो उस वर्क डन को हम लिख देंगे, कितना दिया है यहां पर देख सकते हैं वन दिया है, तो हमने क्या लिख दिया वन लिख दिया, क्यू वन दिया नहीं तो क्यू वन लिख दें, इफिशियंसी लिख दें 0.7176। हमें निकालना है क्यू वन तो क्यू वन की जगह क्यू वन रहने दें, और इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको हम इधर लेकर आएंगे, वन बटे क्या हो जाएगा 0.7176। यहां पर क्या हो गया है वन की जगह वन रहा है, इसको हम यहां पर लाए क्यू वन को इधर ले गए, तो ऐसा हो गया। अब वन में हम इसका डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वन में डिवाइड करने का जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 1.3935। इस तरह हमारी क्यू वन आ गई, और इसकी जो भी यूनिट है हमारी किलो वाट भी लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इफिशियंसी कोई यूनिट थी नहीं, और हमने जो यूनिट रखी थी वर्क डन की किलो वाट रखी हुई, तो किलो वाट डायरेक्ट लिखते हैं, किलो जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है क्यू टू निकालना है क्वेश्चन के, तो हम जानते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू होता है, बस थोड़ा सा मैं इसके नीचे कर लेता हूं और ये सॉल्व होने वाला है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना दिया है वन दिया है, क्यू वन हम लोग निकाल चुके, कितना निकाल चुके 1.3935, क्यू टू हमें निकालना है जैसे तैसे रहने देते हैं, क्यू टू इज इक्वल टू इस क्यू टू हम इधर लाएंगे इक्वल के इस तरफ लाएंगे, तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आने के बाद वन को इधर लाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा 1.3935, तो वन कैसा हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, और इसमें से इसको जब घटाएंगे तो जो वैल्यू आ रही है 0.3935 क्या हो जाएगा किलो वाट, तो ये इस तरह सॉल्व हो गया, क्यू टू हमारा निकल आया है। उम्मीद है समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।